ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम अग्नि विद्या के बारे में थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल का जो फ्लेम है, आपकी जो ज्वाला है अग्नि की, उसका शेप ये ऐसा कोन टाइप का क्यों होता है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष में आप अगर अंतरिक्ष में जो अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो ज्वाला का शेप सर्कुलर टाइप का होता है, धरती पर ऐसा क्यों है थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। होता क्या है, मान के चलिए रूम है, रूम में कैंडल रखी हुई है और आपका रूम जो है एयर पार्टिकल से, आपका रूम खाली होता नहीं है, वायु से भरा रहता है और रूम का टेम्परेचर मान के चलिए आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। होता क्या, इसका तापमान बहुत अधिक होता है, फ्लेम का तापमान लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कुछ कम होता है 900 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान अधिक होने के रूम के टेम्परेचर से, इसका टेम्परेचर रूम में अगर कोई चीज रखी है उसका तापमान अधिक है तो इसके तापमान जो है वो सराउंडिंग में जाएगा। तो आपका जैसे एयर है यहां पर, तो एयर के पार्टिकल क्या होते हैं, गर्म होते हैं, इसकी वजह से जो इसके आसपास के हैं वो गर्म होते हैं। प्लस ये आपका जो कैंडल की फ्लेम है तो इसमें क्या क्या होता है, आपका वेद में अग्नि पर एक मंत्र है तो उसमें वहां पर घृत पृष्ठ, आगे हम आपको मंत्र संख्या सब कुछ बताएंगे, घृत पृष्ठ कहा गया है और मधु जिव्या भी कहा गया है फ्लेम को। मधु जिव्या यानी इसकी जो ज्वाला आपका फ्लेम में मधु निघंटू शास्त्र में मधु के अर्थ हैं जल, इसकी फ्लेम में जल है। तो वो जल कैसे आता है इस विषय पर थोड़ा सा देखेंगे। हमारी कैंडल कार्बन और मान के चलिए कि हाइड्रोजन से बनी हुई है, सिंपल सा हम मान के चल रहे हैं, और आपका आसपास में O2 गैस है। तो O2 O2 को लेकर, क्योंकि आप देखते हैं कि अग्नि जो है बिना वायु के जलती नहीं है, प्रज्वलित नहीं होगी। O2 आपका क्या है, प्राणवायु, ऑक्सीजन, ये आपका है प्राणवायु। प्राणवायु को लेकर ये प्राणवायु की सहायता से प्रज्वलित होती है। अब ये इसने ये जो केमिकल है प्लस ऑक्सीजन मिलके जब ये प्रज्वलित होती है तब क्या क्या निकलता है, तब आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस आपका H2O जल, किस फॉर्म में, वेपर, वाटर वेपर। CO2 प्लस वाटर वेपर यानी जीभ में आपके इसके अग्नि के जीभ या ज्वाला में या इसके अग्नि के केस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है प्लस वाटर वेपर होता है, प्लस जो इसका जो भाग जलने से या पूरा कंबस्शन होने से रह गया, जो जलने से रह गया वो भी यहाँ पर इसमें मौजूद रहता है, मोम का कुछ भाग यहाँ बीच में। तो आपका
तो हम देख सकते हैं, जैसे मंत्र ने बताया मधु जिव्या, तो वहां से भी हम पता कर सकते हैं कि एक कैंडल के जो ज्वाला है उसमें आपका कुछ जल का वेपर, आपका जलवाष्प रहता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब ये सेप ऐसा ही क्यों आया? कोई भी सेप हो सकता है, ऐसा सेप हुआ क्यों? होता क्या, जो आस पड़ोस की एयर है वो गर्म होने लगती है, तो गर्म होके वो ऊपर की ओर उठने लगती है। गर्म वायु ऊपर क्यों उठने लगती है गर्म वायु? क्योंकि ठंडी वायु क्या होती है? ठंडी वायु आपका भारी होती है और गर्म वायु आपका हल्की होती है। तो ठंडी वायु भारी होने की वजह से वो नीचे आएगी और गर्म वायु हल्की होने की वजह से ऊपर जाएगी। ठंडी वायु जब नीचे आती है, गर्म वायु ऊपर जाती है, तो ठंडी वायु नीचे आके, मान के चलिए ठंडी वायु यहाँ पे है, वो नीचे ऐसे आई, उसमें ठंडी वायु में जो ऑक्सीजन है उसने इससे रिएक्शन किया, वो नीचे आके फिर ऊपर उठने लगी। तो ऐसे ये एक समझ लीजिए आपका रिएक्शन होने लगता है। मैं दूसरे डायग्राम में समझा रहा हूँ, ऐसे आपका एक प्रकार का चक्र बन जाता है। ये आपका ठंडी वायु यहां पर आपका गर्म वायु, ठंडी वायु जो है भारी होने की वजह से नीचे आती है, उसका ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होती है और ये एक चक्र चलने लगता है। ठंडी वायु आस पड़ोस की जो है नीचे आती रहती है, गर्म वायु ऊपर जाने लगती है। तो इससे जो शेप है वो आपका ट्रायंगुलर या कोन टाइप का, आपका शंकु आकार का शेप इससे इसका बनता है। वायु के जो है ठंडे और गर्म होने की वजह से ये शेप ऐसे बनता है, ये एक तरह से चक्र चलता रहता है। ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे आपका देखिए ये सन हो गया, सन की जो किरणें धरती पे पड़ती हैं, जब धरती पड़ती हैं तो आपका ऊपर क्या उठता है? ठंडी वायु जो है, ठंडी वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो ये ठंडी वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और आपका प्लस आपका जो है जल वाष्प, जो कुआं तालाब नदी का जो जल है वो भी ऊपर उठता है। तो वो गर्म वायु के साथ जलवाष्प ऊपर उठ के, आपका जलवाष्प ऊपर उठ के बादल का निर्माण करता है। अब ठंडी वायु गर्म होके जब ऊपर उठती है, तो जो ठंडी वायु है, गर्म वायु ऊपर उठी तो कुछ स्थान बचा, तो वो उस स्थान को कौन भरता है? जो ठंडी वायु जो भारी है, भारी गर्म वायु आपका हल्की होकर ऊपर उठती है तो ठंडी वायु उसका स्थान घेरती है, उसी को क्या कहते हैं? वायु का चलना। वायु का चलना, वायु कैसे चलती है? ठंडी और गर्म वायु की वजह से ही वायु चलती है। गर्म वायु ऊपर उठती है तो ठंडी वायु उसका जब स्थान घेरती है उसी को वायु का चलना कहते हैं। मान के चलिए इधर से ठंडी वायु आपका चल रही है, गर्म वायु उठ रही है, बादल हैं। बादल चलते क्यों हैं? बादल आपका क्यों चलते हैं और ऊपर क्यों उठते हैं? तो बादल को ऊपर उठाने में आपका हमारी जो है गर्म वायु सहायता करती है। गर्म वायु के साथ जलवाष्प ऊपर जाते हैं और प्लस जो ठंडी वायु आती है और
वो स्थान जब घेरती है तो आपका बादल और ऊपर उठने लगते हैं, और बादल का चलना आपका ठंडी वायु की वजह से ही बादल का चलना आपका होता है। ये सब होता क्यों है, ये आपके सूरज के कारण होता है। और जो हम हवन करते हैं, हवन की जो ज्वाला है वो आपका वो भी यही काम करती है। आस पड़ोस की जो एयर है, हवन में जो भी हम आहुति डालते हैं, जो भी आहुति हम डालते हैं हवन में, उस आहुति को ये ग्रहण करके उसको परमाणुओं में छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ के जो आपका गर्म वायु है ऊपर उठती है, उसके साथ वो परमाणु क्या हो जाते हैं आपका ऊपर उठ के और आपके बादल में चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हवन से वर्षा होती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका घी है, घी के परमाणु जब एयर के साथ, ऐसा होता क्यों है, अगर आप वर्षा अगर आपको करवाना है तो कम से कम लंबे समय तक, जैसे जो दैनिक हवन होता है वो 5 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपको कोई एक लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको हवन दिन भर, मान के चलिए 12 घंटे एवरी डे आपको रोज 12 घंटे करना पड़ेगा, और एक सप्ताह या एक मास तक आप जब आप करेंगे तो कॉन्टिन्यूस एक प्रक्रिया होती रहेगी। उससे होता क्या, आपका जो भी घी के परमाणु हैं वो ऊपर जाएंगे, और जो आपके बादल हैं, बादल में आपका जो जल है, बादल बरसते कब हैं, जल जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जम जाता है, भारी हो जाता है, तब वो आपका बारिश शुरू हो जाती है। तो जल को घी के परमाणु जाकर जो जल वाष्प से जो बादल बना हुआ है, बादल में कुछ धूल के कण होते हैं एयर के, उनसे वो चिपक जाता है घी के परमाणु, आपके घी के परमाणु, तो वो चिपक के उसको क्या करते हैं आपको बादल को भारी भारी करने में सहायक हैं। जब घी के परमाणु बादल को भारी करने में सहायक होते हैं तब बारिश जल्दी हो जाती है। इसी से हम कह सकते हैं कि आपका हवन जो है, हवन वर्षा करने में सहायक है। तो मुख्य आपका अग्नि ही वर्षा करने में सहायक है। मुख्य ये अग्नि का ही कार्य है कि वो घी के परमाणुओं को हवा की सहायता से ऊपर को उठाती है। तो 5 मिनट के हवन से ऐसा नहीं होगा, अगर आप 1 महीने तक या 1 सप्ताह तक और शुद्ध घी से ही आप अगर हवन करते हैं तो घी के परमाणु डेफिनेटली आपके जो है आकाश में जाएंगे ऊपर, और बादल में जो है धूल के कण उनसे चिपक कर भारी कर देंगे। तो कुछ हम आपको थोड़ा बहुत ऋग्वेद से आगे बताते हैं। ऋग्वेद 3:26-4, तीसरा मंडल 26वां श्लोक, चौथा मंत्र, यहां पे एक शब्द है वाजा, वाजा जिसका अर्थ है वेग वाली अग्नि, वेग वाली अग्नि वा वेग वाली वायु, ये दोनों जल में मिले हुए हैं।
तो हम देखते हैं जो हमारा जल है, तो आपका H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला होता है। ऑक्सीजन आपके क्या है, प्राण वायु, ये आपको समझ लीजिए ये वायु हो गई। H2 क्या है आपका, H2 भी आपकी गैस है, लेकिन कैसी गैस है, H2 गैस जो जल में होती है वो काफ़ी ज्वलनशील होती है, मतलब वो कम तापमान पर भी, अगर 40 मान लीजिए रूम का टेम्परेचर 30 है, 30 से अगर 40 भी हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस से अगर 40 डिग्री सेल्सियस भी हुआ, तो ये अगर रूम में हाइड्रोजन गैस है तो ये जलने लगेगी तो जल के जो हाइड्रोजन है जल के अंदर वो ज्वलनशील होता है, तो वो एक तरह से क्या है, एक प्रकार का आपका अग्नि है। जल का जो हाइड्रोजन है वो एक प्रकार से आपका अग्नि है। वेग वाली अग्नि, अग्नि में उसमें क्या है, वेग है, जो आपका हाइड्रोजन H2 गैस है वो आपका काफी हल्की होती है। और इसको जो कहा जाता है कि जिन ऋषि ने उस समुद्र, जो समुद्र का पानी पी लिया था, आपका कश्यप ऋषि जहाँ तक हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने उनकी एक पुस्तक है उसका एक ही प्रश्न मिला है जिसमें आपका बैटरी बनाने का और हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा बनाने का जो है वर्णन है। वो ऋषि कहते क्या है कि आप जो है बैटरी से जो जल है हमारा जल है उस जल को आप प्लस बैटरी के माइनस से आप जब जल को तोड़ेंगे तो आपका H2 गैस निकलेगी और O2 गैस निकलेगी। तो जो H2 गैस है इसका नाम उन्होंने दिया है उदान वायु। आपकी H2 गैस क्या है, उदान वायु, और ये वायु क्या है, आपकी ज्वलनशील है और काफी हल्की होती है। हल्की होने की वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंपल सा कपड़ा लेकर, एक मान के जो कपड़ा है, और ऋषि लोग क्या करते थे, कपड़ा लेकर जो हमारे वृक्ष हैं, जो आपके दुधारू वृक्ष, एक तो दुधारू वृक्ष जिनके फलों से या टहनियों से आपका जो दूध, एक दूध क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, वो गोंद का काम करता है। दुधारू वृक्ष प्लस गोंद वाले वृक्ष, उन वृक्षों से गोंद और दूध लेकर आप इस पर लेप कर दीजिए, मतलब ऐसा लेप कीजिए कि इसके अंदर जो भी वायु आप भरी जाए उसको आप जो है, मतलब वो बाहर ना निकले, तो उसमें उस कपड़े में आप जो है मान के चलिए एक टोकरी होगी, उस कपड़े में आप उदान वायु को भर कर, ठीक है, आप एक ऐसा गुब्बारा बना सकते हैं जो किसी भी आदमी को, ठीक है, आदमी अपना एक बैठने का बना दीजिए और उसमें हाइड्रोजन गैस उदान वायु को आप भर दीजिए और आप जो है एक फ्लाइंग बैलून। तो बताइए ऋषियों ने उस समय भी कितने, लगभग 5,000 6,000 10,000 कितने भी वर्ष, आप करेक्ट नहीं पता कर सकते हैं, तो उतने वर्षों पूर्व जो है उड़ने की उन्होंने चीज़ें बनाई थी आपका जो है वेदों से ही निकाल कर। वेदों में वो जान गए कि भाई जल में आपका जो जल है, जल में आपका अग्नि है और वायु है, जल में मिले हुए हैं, तो यहाँ से उन्होंने उस जल से फिर अग्नि, जो आपका उदान वायु है, हाइड्रोजन H2 अग्नि में है,
अब ये खतरनाक भी होती है क्योंकि अग्नि में है, तो अगर जरा सा भी टेम्परेचर मार के चलिए 50-60 हुआ, काफी खतरनाक है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस अगर हुआ तो ये जल जाएगा, तो खतरा रहता है। इसलिए काफ़ी मोटे कपड़े में हो और काफ़ी सावधानी से हम, ये हल्की होती है, हल्की होती है तो ये ऊपर उठा ले जाती है सूर्य के प्रकाश में, थोड़ा सा गर्म होके ये और हल्की हो जाती है तो कोई भी मनुष्य बैठा ऊपर उठा ले जाएगी, फिर जिधर एयर चलेगी ये उधर जाएगा। इससे एक फ्लाइंग बैलून हम लोग बना सकते हैं आपका, जल से हाइड्रोजन को निकाल कर। अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, विदेशियों ने भी हाइड्रोजन गैस से आपका जो है गुब्बारा बनाया था, तो उसमें 200 के करीब मनुष्य लोग बैठे थे उसमें गुब्बारे में, आपका जो है 200 के करीब बैठे हुए थे, और वो अचानक से जो उसमें जो उड़ान आई थी वो आपका जो है हाइड्रोजन गैस H2 गैस, वो उसमें आग लग गई, तो उन सबकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आप सोचिए कि विदेशी लोग भी जो है ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनका वर्णन हमारे ऋषियों ने किया था, तो हम लोगों को भी जो है वेदों को पढ़ना चाहिए और उससे जो है एक एक पद पर गहन विचार करके हमें जो है नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहिए। ऋग्वेद 3:26-7 3:26-7 चौथे मंत्र में हमने जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बारे में पढ़ा, और सातवां जो मंत्र है इसमें, इसमें लिखा है अर्क, अर्कस त्रिधात रजसो विमानो, अजस्त्रो अजस्त्रो धर्मो हवि रश्मि, हवि रश्मि नाम तो यहाँ पर इस मंत्र जो मंत्र है उसका भी देवता अग्नि है। त्रिधातु विमानो, तीन धातु आपका सोना चांदी तांबा हो सकता है, या तांबा लोहा चांदी, ऐसे मतलब तीन धातु का कॉम्बिनेशन करके आप जो है आप अपना जो है विमान को बनाइए, तीन धातु का कॉम्बिनेशन करके। उसमें आप जो है अग्नि को युक्त कीजिए, अर्थात अग्नि से उसको चलाइए। और अजस्त्रो धर्मो हवि रश्मि, तो अग्नि ही एक प्रकार की अग्नि ही निरंतर चलने वाले सूर्य की हवन सामग्री है, यानी जो आपका जो सूर्य है उसके अंदर भी हवन हो रहा है। सूर्य की हवन सामग्री क्या है, वो आपका एक प्रकार की अग्नि है। जो आपका सूर्य है, सूर्य में आपका होता क्या है, हाइड्रोजन के मान के चलिए दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं बेसिकली, आपका जो सूर्य में है ये क्रिया निरंतर चलती ही रहती है,
इसी को आप मान के चलिए एक सूर्य में हवन हो रहा है, दो पदार्थ डाले जा रहे हैं, तीसरा हो रहा है, और प्लस आपका ऊर्जा, ऊर्जा जो है आपकी किरणें, किरणों के फॉर्म में हम लोगों तक पहुंचती है, किरणों के फॉर्म में, किरणों के रूप में वो ऊर्जा उत्पन्न होती है और हीलियम गैस उत्पन्न होती है। ये सूर्य में निरंतर अंदर हवन हो ही रहा है, ये भी क्या है, अग्नि में है, अग्नि में है। तो अग्नि जो ही है, अग्नि के कारण ही सूर्य के अंदर जो है निरंतर हवन चल रहा है। तो उसी अग्नि का आप प्रयोग विमान में करिए और विमान को चलाइए, जैसे निरंतर सूर्य चल रहा है तो आप विमान को भी चला सकते हैं। नेक्स्ट मंत्र है आपका 3/27/2। यहां पर इस मंत्र का देवता भी अग्नि है। यहां पर एक पद आया है सुष्टिवान, जिसका अर्थ है शीघ्र चलने व चलाने वाले। नेक्स्ट जो आपका धीतावान पद है, उसका अर्थ है आपका पदार्थों के धारण करता, पदार्थों के धारण करता। और एक पद है आपका भक, जिसका अर्थ है पदार्थों को जोड़ने में, पदार्थों को जोड़ने में सहायक। तो सृष्टिवान, सृष्टिवान का जो अर्थ है शीघ्र चलने व चलाने वाला, अर्थात वाहनों में जो ईंधन है तो उससे जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो वाहन को शीघ्र चलाती है, विमान हो गया, वाहन हो गया, उनको शीघ्र चलाती है। धीतावान, धीतावान पदार्थों को धारण करने वाला, अग्नि जो है पदार्थों को धारण किए हुए है, इस पर थोड़ा जो धारण करने की शक्ति है उस पर हमें आगे देख, आगे जो है इस पर थोड़ा खोज करने की आवश्यकता है कि अग्नि में, अग्नि का ये गुण कैसे है कि वो पदार्थों को धारण करती है। तीसरा जो आपका है भक, धारण करने का एक हम समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य है, सूर्य ने सभी ग्रहों को धारण कर रखा है और अपने जो, अपने जो अट्रैक्शन का, उसका जो आकर्षण का बल है वो अग्नि के कारण ही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। भक जो आपका पद है तो इसका अर्थ किया गया है पदार्थों को जोड़ने में सहायक। तो आप वेल्डिंग, जो हमारा, जो हम वेल्डिंग, वेल्डिंग है, वेल्डिंग में बस क्या करते हैं आपको, जैसे जो आपका लोहार होता है तो लोहार किसी भी, कोई भी मान के चलिए किसी भी पदार्थ को जोड़ना है तो उसको आप जो है भट्टी में, भट्टी में गर्मा के उसको जो है लोहे को पिघलाता है। पिघलाने से आपका तात्पर्य है लोहे के परमाणु को अग्निमय कर देता है, लाल लाल हो जाता है लोहा। फिर उस लोहे को आपको जो है क्या, उसका कोई भी वो शेप आकार उसको वो दे सकता है, किसी भी शस्त्र, कोई भी शस्त्र अस्त्र वो बना सकता है। और आपका वेल्डिंग से ही हम क्या करते हैं, दो लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं। तो वेल्डिंग के द्वारा ही हम दो, दो तीन जितने भी हैं तो लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं। तो पदार्थों को जोड़ने में हमारा जो है अग्नि सहायक है, ये आपका वेद में एक अग्नि की ये भी प्रॉपर्टी दी है। इससे ही हम लोग समझ लीजिए एक तरह की ये वेल्डिंग साइंस, इसमें भी आगे काफी खोज कर सकते हैं। तो इस तरह आप आज की वीडियो में आपने थोड़ा सा जो है अग्नि के गुणों के बारे में जाना, उसकी ज्वाला का आकार कौन तरह का क्यों होता है वो आपने सीखा, और कुछ जो साइंस की, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं
वो भी आपने जाना कि वेद से ही हम लोग अग्नि के गुणों को जान के बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अगली कुछ वीडियो में हम अग्नि के बारे में और भी गुणों के उसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।